नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख है। विदेशी सरजमी पर रहने वाले ये भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि दिवाली से लेकर होली जैसे भारतीय त्योहारों को बड़ी आत्मीयता से मनाया जाता है। लेकिन इन भारतीयों की लंबे समय से मांग रही है कि अमेरिका में भी दिवाली के दिन नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाए। मौजूदा समय में दिवाली के दिन अमेरिका के कुछ राज्यों में छुट्टी रहती है। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के स्कूल बंद रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है कि 6 दशक में दुनिया की सकल प्रजनन दर 5.3 से घटकर महज 2.3 बची रह गई है। यानी 1960 में एक महिला अपने जीवन काल में जहां औसतन 5.3 बच्चों को जन्म दे रही थी, आज 2.3 को ही जन्म दे पा रही है। 2022 में 17.5% वयस्क बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे, यानी हर 6 में से एक दंपति। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि पुरुषों में जनन अक्षमता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता भी दी है। पीएम मोदी की ओर से दी गई इस सहायता से SHG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट के जरिए बाजार में बेहतर दाम हासिल करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। सैम बैंकमैन फ्राइड को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाया गया है। सैम बैंकमैन क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म FTX के सह-संस्थापक थे, जो एक समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म थे। न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने उन्हें निवेशकों और ग्राहकों के साथ 10 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का दोषी पाया है। बैंकमैन फ्राइड ने दावा किया कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। हालांकि ज्यूरी ने इस दावे को खारिज कर दिया। बता दें कि FTX 1 साल पहले दिवालिया हो चुकी है। हाल ही में कंगना ने सिंगर शुभ की आलोचना करते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने सिंगर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वहीं अब शुभ ने भी कंगना ने पोस्ट पर पलटवार करते हुए पोस्ट शेयर किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। कंगना के बयान पर अब सिंगर शुभ ने रिएक्ट करते हुए अपने पोस्ट में लिखा है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, लोग मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। लंदन में मेरे पहले शो में दर्शकों ने मुझ पर ढेर सारे कपड़े, आभूषण और फोन फेंके। मैं वहां परफॉर्म करने के लिए था, यह देखने के लिए नहीं कि मुझ पर क्या फेंका गया है। टीम ने आप सभी के लिए परफॉर्म करने के लिए पिछले कुछ महीनों में बहुत कड़ी मेहनत की है। नफरत और नकारात्मकता फैलाना बंद करें। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 10 नवंबर को भारत की यात्रा करेंगे। उनके साथ रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी शामिल होंगे। वे वार्षिक 2+2 वार्ता के लिए भारत की यात्रा करेंगे। 2+2 संवाद 2018 में शुरू किया गया था। यह हमारे दोनों देशों की रणनीतिक और रक्षा मुद्दों के बारे में उच्च स्तरीय चर्चा करने का अवसर देता है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत प्रशांत को स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और सुरक्षित रखने के लिए भारत के साथ हमारा सहयोग होगा। साथ ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। इसराइल हमास की जंग जारी है और धीरे धीरे इसे 1 महीना होने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयशंकर ने अपने बयान में आतंकवाद को नकारा और कहा कि यह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि फिलिस्तीन के मसले के हल के लिए 2-स्टेट सॉल्यूशन का विकल्प होना चाहिए। जयशंकर ने ये बातें इटली की राजधानी रोम में आयोजित सीनेट की विदेश मामलों और रक्षा आयोग की ज्वाइंट सेक्रेटरी सत्र के दौरान कही। लंदन में आयोजित 2 दिवसीय AI सेफ्टी समिट के उपलक्ष्य पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और सोशल मीडिया हैंडल एक्स के मालिक और टेस्ला के CEO एलन मस्क के बीच बातचीत हुई। ब्रिटेन के बैले चले पार्क में आयोजित AI सेफ्टी समिट के दौरान दोनों के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में एलन मस्क ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, भविष्य में ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसान के काम को करने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट्स इंसानों का हर जगह पीछा करेंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की प्रक्रिया करीब 23 घंटे बाद शुक्रवार को तड़के पूरी हो गई। आनंद ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का षड्यंत्र है। मंत्री और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन की जाँच के तहत यह छापेमारी की गई। छापेमारी की कार्रवाई बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे शुरू की गई, जो शुक्रवार को तड़के करीब 5 बजे तक जारी रही। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को सुबह अत्यधिक गंभीर श्रेणी में चली गई, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध समेत तमाम आपात उपाय लागू करने की आवश्यकता होती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेज के अनुसार ये कदम केंद्र के वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत उठाए जाते हैं और आदर्श रूप में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 450 के आंकड़े को पार करने से कम 3 दिन पहले लागू किए जाने चाहिए।
यूएस में ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के रिसर्च से पता चला है कि खाने में ज्यादा नमक मिलाने से या बार बार नमक खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ सकता है। मेयो क्लिनिक प्रोसीडिंग जनरल में पब्लिश हुआ कि 11.8 सालों तक चली एक रिसर्च में 400,000 से ज्यादा लोगों के नमक खाने की मात्रा के बारे में सर्वे किया गया है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जिन लोगों ने कभी नमक नहीं खाया है या जिन्होंने शायद ही कभी नमक यूज किया हो, उनके कंपैरिजन में जिन पार्टिसिपेंट्स ने कभी कभी आमतौर पर या हमेशा नमक खाया है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होना 13%, 20% और 39% ज्यादा रिस्की था। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर उद्धव ठाकरे के करीबी और यूबीटी शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बीएमसी के साथ समझौते का उल्लंघन कर मुंबई के जोगेश्वरी में एक लग्जरी होटल के निर्माण के संबंध में शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने रविंद्र वायकर से मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और बयान ले लिए हैं। वो बयान हैं जो उन्होंने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को दिए थे। बिग बॉस ओडीटी 2 के विनर और यूट्यूबर अल्वेश यादव पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अल्वेश यादव पर रेव पार्टी करने का आरोप है। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर अल्वेश यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि अल्वेश रेव पार्टी कर रहा था, जिसमें देश के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेगी, वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कहा कि अगर यह साबित हो गया कि महुआ मोइत्रा से एथिक्स कमेटी ने कोई व्यक्तिगत सवाल पूछा था तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। निशिकांत दुबे ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए उद्योगपति दर्शन हीरा नंदानी से नकदी और उपहार लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें 2 नवम्बर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना था। वह अपना बयान देने के लिए गुरुवार को समिति के सामने पेश हुई। इसके बाद उन्होंने यह आरोप लगाया कि जाँच के दौरान उनसे पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे गए। एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने भारत को कंपनी का एक मुख्य केंद्र करार देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी दिग्गज की देश के बड़े बाजार में हिस्सेदारी कम है, जबकि वहां काफी गुंजाइश तथा सकारात्मकता है। ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ये कहा गया है एक पीआईएल में। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। याचिका में केंद्र सरकार को ताजमहल का सही इतिहास प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की है, जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष है। याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल मूल रूप से राजा मानसिंह का महल था, जिसे बाद में मुगल सम्राट शाहजहां ने पुनर्निर्मित किया था। याचिका वकील शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के माध्यम से दायर की गई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी उम्मीदवार लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें टोडा भीम सीट से राम निवास मीना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं शिव सीट से स्वरूप सिंह खाड़ा को टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी कर कुल 182 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब चौथी लिस्ट जारी होने के बाद 184 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए गए हैं। अब 16 सीटों पर पार्टी को प्रत्याशियों का ऐलान करना है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 1.8 अरब डॉलर तक जुटाने के लिए विदेशी ऋणदाताओं के एक समूह के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ऋण के जरिए प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी सोलर और पवन परियोजनाओं में नई क्षमता बनाने के लिए करेगी। चल रही खबरों के अनुसार विदेशी ऋणदाताओं के ग्रुप में बार्कलेज, पीएलसी, बीएनपी पारिवा एसेट, डायचो बैंक, एजी फर्स्ट अबू धाबी बैंक, पीजेएससी, रोबो बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी शामिल है। अडानी ग्रुप के एक प्रतिनिधि इस योजना को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिए। विश्व कप 2023 में टीम इंडिया का अगला और 8वां मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर साउथ अफ्रीका के साथ होगा। वहीं इस मैच के टिकटों को लेकर अब विवाद खड़ा होता दिख रहा है, जिसको लेकर अब बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रविवार को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका विश्व कप मुकाबले के टिकट विवाद में राज्य निकाय की कोई भूमिका नहीं है। यह हर जगह होता है। टिकटों की मांग इतनी अधिक है कि आप इसे हरा नहीं सकते। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, केवल पुलिस ही इसे रोक सकती है। ईडन गार्डन की क्षमता 76,000 लोगों की है और 1,00,000 से अधिक है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोला है। रामचरितमानस को लेकर दिए जा रहे उनके विवाद बयान पर जगत गुरु ने कहा कि चंद्रशेखर में हिम्मत है तो आकर वह रामचरितमानस की विसंगतियों पर चर्चा करे। अगर विसंगति निकल गई तो मैं पटना के गंगा में समाहित हो जाऊंगा, वरना उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड होने का दावा किया था। पटना हाईकोर्ट ने
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत अर्जी को दाखिल किया। जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत कुमार सिंह द्वारा क्रिमिनल अपील में जमानत हेतु दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश को पारित किया। अपीलार्थी ने इंसास राइफल के 6 मैगजीन तथा बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने के संबंध में दर्ज बाढ़ थाना कांड संख्या 241/2015 मामले पटना के MP MLA कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास समेत जुर्माने की सजा के मामले में क्रिमिनल अपील पटना हाईकोर्ट में दायर किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली में अपने समकक्ष एंटोनियो ताजनी के साथ एक व्यापक व सार्थक बैठक की, जिसके बाद दोनों देशों ने श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज विदेश मंत्री एंटोनियो ताजनी के साथ एक व्यापक तथा सार्थक बैठक की। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद समी ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताने के बाद देश के सबसे सफल गेंदबाज बन गए। मैच में मोहम्मद शमी ने 5 ओवर में एक मिडन के साथ 18 रन देकर 5 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान और जुआगल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक असम की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। पड़ोसी हिमालयी देश के 43 वर्षीय राजा का राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उनके कैबिनेट सहयोगियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वांगचुक को असम का पारंपरिक गमछा भेंट किया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उनके कैबिनेट सहयोगियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अक्टूबर में 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। प्रतिस्पर्धी स्थितियों और मूल्य दबावों के बीच उत्पादन तथा मांग में नरमी के कारण यह गिरावट आई है। एक मासिक सर्वेक्षण में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अक्टूबर में 58.4 पर पहुंच गया। यह सितंबर में 13 साल के उच्चतम स्तर पर 61 पर पहुंच गया था। हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ISI स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है, क्योंकि 2022 में बाइक दुर्घटनाओं में 50,000 से अधिक लोगों की जान गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार हेलमेट न पहनने के कारण बाइक दुर्घटनाओं में 50,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने एक्शन प्लान को लेकर शिक्षा विभाग के विशेष सचिव माध्यमिक प्राथमिक और प्रशासन निदेशक को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। KK पाठक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि स्कूलों की कार्य योजना देना ही काफी नहीं है, बल्कि कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई भी दिखनी चाहिए, जिसे स्लाइड के माध्यम से भी समझाया जाए। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय का कम से कम 2 बार अवश्य ही निरीक्षण हो। दोनों निरीक्षणों के बीच कम से कम 1 सप्ताह का अंतर भी होना चाहिए। इसका प्रेजेंटेशन भी विभाग के सामने प्रस्तुत किया जाए। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी रही। BSE का 30 शेयर वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 414.06 अंक उछलकर 64,494.96 पर पहुंच गया। वहीं NSE का निफ्टी 125.5 अंक चढ़कर 19,258.75 पर रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स के शेयर ने 2% से अधिक की बढ़त हासिल की। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा देने का कारण लखीमपुर खीरी में सपा की आंतरिक गतिविधियों को बताया है। चर्चा है कि रवि वर्मा अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने उनको पार्टी में शामिल कराने की तैयारियां पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को ओडिशा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए आधिकारिक प्रस्ताव में कहा गया है कि जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में अपने 11 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान 1,246 मामलों में फैसला सुनाया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाव हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद फहीम, गुड़िया कुमारी मौर्य, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, नौशद अंसारी, सिद्धार्थ कुमार, बाबूलाल मरांडी, अजीत पोरस, धनंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।